एडिटर क्या कहती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है गिवन क्या है अपने को कि ट्राइंगल एबीसी समरूप है, सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो प्रूव क्या करना है कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया का रेशियो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग यानी एबी तो अपॉन में पी क्यू, उसके स्क्वायर के बी सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में पी आर। मतलब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये प्रूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, एक डी हो गया एक एम हो गया। अब हम बात करते हैं प्रूफ की, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ पीक्यूआर, एरिया क्या होता है हाफ बेस, बेस क्या है बीसी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एडी, हाफ बेस, बेस क्या है क्यूआर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है पीएम, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बीसी अपॉन क्यूआर, एडी अपॉन पीएम। अब अगर अपने एडी अपॉन पीएम को रिप्लेस करके इसको हटा के बीसी अपॉन क्यूआर लेंगे तो बीसी इंटू बीसी स्क्वायर, क्यूआर इंटू क्यूआर क्यूआर स्क्वायर, हमें ये रिप्लेस करना है। तो आपको एडी और पीएम रिप्लेस करना है तो कोई दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर कर लो, कैसे देखते हैं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी डी, एक ले रहा हूं पी क्यू एफ, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इसका रीजन क्या है, गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और एंगल डी एंगल एम के इक्वल क्यों है, क्यों है, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, वहां से रूल कौन सा लगेगा, ए यहां से रेशो क्या बनेगा, ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल है AD upon PM के, तो AD upon PM रिप्लेस हो जाएगा, वहां AP upon PQ आ जाएगा, तो आपका स्टेप क्या बनेगा वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ABC upon में एरिया ऑफ PQR, BC upon QR यहां रिप्लेस होके क्या आ जाएगा AB upon PQ। अब एक बात बताओ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB upon PQ किसके इक्वल है, BC upon QR के, मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर और वो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू रिप्लेस कर देंगे बी सी अपॉन क्यू आर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, अगर इसको रिप्लेस करके ये फिट कर देंगे तो ये वाला प्रूव हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं तो क्या प्रूव होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इसकी स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर इसकी स्क्वायर और ए सी अपॉन में पी आर इसकी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, वो क्या कहता है, कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर करण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, करण स्क्वायर बराबर घात स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमारे को गिवन क्या है, गिवन सिर्फ इतनी बात, गिवन क्या है एंगल ए जो है वो कितने का 90 का, प्रूफ अपने को क्या करना है कि बीसी का स्क्वायर इक्वल होगा एसी के स्क्वायर और एबी के स्क्वायर के। कंस्ट्रक्शन में काम किया है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंगल राइट एंगल वाले 90 वाले एंगल से सामने वाली साइड पे भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, प्रूफ देखते हैं। अब एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं छोटे वाला और एक ट्राइंगल ले रहा हूं बड़े वाला, बड़े वाला ट्राइंगल तो एबीसी है, छोटे वाला मान लो मैंने एक बार ले लिया एबीडी, तो इसमें एंगल बी के इक्वल है क्यों इक्वल है कॉमन है, और बड़े वाले में एंगल ए 90 का है छोटे वाले में एंगल डी 90 का है, दो एंगल इक्वल है इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, ए किसके इक्वल है डी के, बी किसके इक्वल है बी के, तो
बी डी आ गया, बी आ गया, डी आ गया, बी आ गया, रह कौन सा गया, ए ए ए प्रॉपर्टी से। अब यहां से देखो किसकी स्क्वायर बन रही है, ए के बी ए बन रहा है और ए के बी ए बन रहा है, तो ए बी लिखेंगे तो अपॉन में क्या आएगा डी बी, और यहां ए बी लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बी सी, तो अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा बी सी इंटू में डी बी। ऐसी फिर दूसरा छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल तो ए बी सी है और छोटा ट्राइंगल कौन सा है ए सी डी। इसमें देखो एंगल सी, एंगल सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, कॉमन है, ए बी सी में एंगल ए इधर एंगल डी 90 का है, तो ए बी सी सिमिलर हो गया किसके छोटे। अब देखो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है डी के, सी सी के इक्वल है, बच गया यहाँ पे बी, यहाँ पे तीसरा एंगल कौन सा बच गया, सी आ गया, डी आ गया, बच कौन गया ए, तो यहां देखो किसकी स्क्वेयर हो रही है, यहां हो रही है ए सी की स्क्वेयर, ए सी लेंगे तो कौन में क्या आएगा डी सी, और यहां अगर बी सी लेंगे तो कौन में क्या आएगा ए सी, तो ए सी स्क्वेयर बन गया बी सी इंटू डी सी। अब इक्वेशन वन और टू ऐड कर देंगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करने से क्या बनेगा ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, तो इन दोनों में देखो बी सी कॉमन आ रहा है, अगर बी सी कॉमन ले लेंगे अंतर बन जाएगा डी बी प्लस डी सी, डी बी प्लस डी सी, डी बी प्लस डी सी मिलकर क्या बन जाएगा बी सी, और बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वेयर। ये हमारा प्रूव हो गया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर।